Students, in your chapter 2 maths, fun with numbers. Now we will go to lazy crazy shop. This is the jungle shop. Lazy crazy gives things only in packets of tens, hundreds and loose item. Lazy crazy shop जो जंगल में शॉप है, इसकी खासियत ये है कि lazy crazy जो है ये उन्हीं packets में item देता है, tens के, hundreds के and loose item. Find out how many packets of tens, hundreds and loose items each animal will take and you have to fill in the blanks. For example, this rabbit gets carrots, that is 143 carrots. So packet of 100 kitna aaya? 100, that is one packet of 100. Then 40, it means 4 packets of tens. And loose, that is 3. इसका मतलब है यूनिट प्लेस, हंड्रेड प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस. यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस. यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या है? 3, that is 3 is loose in numbers. 4 टेंस प्लेस, it means 40. तो 4 टेंस, 4 टेंस एंड 1 एट 100 प्लेस, 100. सिमिलरली this elephant gets sugar cane 210 sugar canes. तो 210, तो आपका क्या आ गया 100 place पे 200, that is 200, 2 packets of hundreds of sugar cane, 1 pack of tens and 0 packs of loose item, that is unit place. तो आप क्या लिखेंगे यहां 2, और you can make this sugar cane item here, so 2 packs here, then 1 pack here and this is 0. Okay, monkey gets bananas 242, so 2, 4 and 2, 242, 2 packs of 100, 4 packs of 10s and 2 loose. Similarly, this deer gets 552 of bunch of grass, that is 500, 5 bunches of 100, 5 packs of 100, 5 packs of 10s and 2 packs loose. Okay. Lazy crazy also has a crazy way of taking money. Lazy crazy jaise bechta hai, waise hi paise leta hai crazy tarike se. He takes only in 100 notes, 10 notes and 1 coins. Iska matlab jo wo leta hai ya to 100 rupees ke notes leta hai, 10 रुपीस के नोट्स लेता है या 1 रुपी का कॉइन लेता है. नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन. अब जो एलिफेंट ने उसको रुपीस 420 पे किया है तो कैसे पे करेगा? 400, इट मींस 4 नोट्स ऑफ 100, 2 नोट्स ऑफ 20, दैट इज 10 रुपीस, 20 रुपीस. ओके, 10 प्लस 10, 20 एंड 0 कॉइन. दिस बनी गिव्स रुपीज 143, इट मीन्स 1 नोट ऑफ 100 रुपीज, 4 नोट्स ऑफ 10s एंड 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच. मॉन्की एंड डियर का भी आप ऐसे ही निकाल लेंगे. डियर में 55 रुपीज है, सो 0 नोट ऑफ 100, क्योंकि यहां 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज एंड 5 कॉइन्स ऑफ रुपीज 1. नाउ एक और एक्सरसाइज देखेंगे हम. हु एम आई मैच विद नंबर. यहां पर आपको ए बी सी डी ई एफ तक आपको ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको इन नंबर से मैच करना है. आई कम बिटवीन 40 एंड 50 एंड देयर इज अ 5 इन माय नेम. मैं 40 एंड 50 के बीच में आता हूं और मेरे नाम में 5 आता है. अब यहां से यहां मैच किया हुआ है फॉर योर एग्जाम्पल. आई हैव 9 इन माय नेम, मेरे नाम में 9 आता है एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90, और मैं 90 के बिल्कुल क्लोज हूँ. 90 के क्लोज में क्या है यहाँ पर? 96 भी है, 89 भी, 87 भी, लेकिन 9 आता है तो 96 में भी 9 आता है, 89 में, लेकिन ज़्यादा क्लोज कौन है? 89, क्योंकि 89 के बाद जस्ट आफ्टर 89 यू सी 90. आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97, 77 और 97 के ठीक बीच में आता हूँ. यस, मैच करेंगे. आई एम अ सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी. सेंचुरी का मतलब होता है 100 एंड हाफ सेंचुरी का मीन 50.
तो 100 प्लस 50 दैट इज 150 ओके। इस तरीके से एक्सरसाइज को हम करेंगे बुक में एज वेल एज इन योर कॉपी ऑल्सो। हाउ मैनी आर दीज, ये कितने हैं? अब देखेंगे यहां पर आप, ये जो है 100 रुपीज का नोट है और ये 10 रुपीज का है, तो 100 रुपीज के नोट कितने हुए? 2। 10 रुपीज के 1, 2, 3, 4, इट मीन्स 240। नाउ काउंट द स्टिक्स, 100, 100, 100, 100, 200, 300, मतलब 300 एंड 10, ओके दिस इज 10। नाउ व्हाट अबाउट दिस, काउंट दिस वन, लूज वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इट मींस 9 यू हैव गॉट एट यूनिट प्लेस, दिस 110 इज देयर एंड 319, दिस इज द आंसर फॉर दिस। अगेन 100, 100, इट मींस 200, 10 दैट इज 1 एंड 2 लूज, 212। इन बीट्स को भी आप करेंगे, ओके, दिस इज द बीट ऑफ, दिस इज 100 पैक्स, दैट इज 1 पैक ऑफ 100, 1 पैक ऑफ 100, जैसा आपने यहां पैक किया 100 का, 100 रुपीस का नोट है, यहां पर आपने क्यूब्स किए 100 के, सिमिलरली 100, हाउ मेनी पैक्स आर देयर, 1 पैक ऑफ 100, यू विल राइट 1 एट 100 प्लेस। नाउ 10 पैक ऑफ 10 बीट्स, पैक ऑफ 10 बीट्स 1, 2, 3, 3 एट 10th प्लेस, एंड लूज बीट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एट यूनिट प्लेस, सो यू विल गेट द नंबर 138, 138, ओके। नेक्स्ट, अगेन यू हैव टू काउंट द रुपीज, 100 रुपीज नोट, 1, 2, 3, मीन्स यू हैव 300 प्लस यू हैव 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज ईच, दैट इज 20 रुपीज, 10 एंड 10, 20, दिस मेक्स और इट मेक्स 320, ओके। Now find out who am I. There is no biggest number. Take any you can find and add me to get the next one. To count, keep me in mind. Okay. यहाँ कोई बड़ा number नहीं है, कोई भी number आप दिमाग में ले लीजिए और उसको add करके next one आप पाइए। तो जब भी आप next count करते हैं तो क्या number मिलता है? Okay. I am Chanda Mama. I have so many friends which twinkle in the sky. Yes, you are right. My friends are stars. One day, all of them came to my home. I started counting to see how many friends had come. But my friends were too many. So to remember their numbers, I did something like this. Hello everybody. Chanda Mama hai. इनके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं जो ट्विंकल करते हैं स्टार स्काई में, यस दे आर स्टार्स। अब स्टार्स तो काउंटलेस होते हैं, उनको काउंट करना कितना मुश्किल काम है। दिस मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स। अब चंदा मामा अपने तारों को, अपने स्टार फ्रेंड्स को गिनते हैं। आई काउंटेड 1 स्टार एंड केप्ट 1 कार्ड इन माई पॉकेट, 1 फॉर 1 स्टार, 2 फॉर 2 स्टार्स, 1, 2, 3, 4, 5 for how many stars? 5. When I had 10 cards, I changed it with this card. जैसे ही 10 पूरे होते हैं, मैंने एक ऑरेंज कार्ड कर दिया स्क्वायर शेप में, मेरे पास ट्राइंगल शेप में ब्लू कार्ड थे। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cards means 1 ऑरेंज कार्ड। But my friends kept coming, लेकिन फ्रेंड्स आते गए, so I had to count more stars, more packets were getting full, so when I had 10 cards like this, change it with a 100 card of circular shape, okay, यहां मैंने egg shape के 100 cards बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cards of 10 each, 10 multiplied by 10, that is 10 tens are 100, तो मैंने 100 का एक कार्ड बना दिया। But I have so many, many friends that my pocket kept getting full. Just see how many cards I had. लेकिन मेरे पास मेरे स्टार फ्रेंड्स आते गए, All right, everybody in a line.
वी विल प्ले अ गेम, अब हम एक गेम प्ले करेंगे, यिप्पी, दे ऑल आर हैप्पी। विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू। ओके, अब अगर मुझे 19 काउंट करना है तो व्हाट आई हैव टू काउंट, आई हैव टू काउंट फर्स्ट दिस टेंस, वन कार्ड टेंस। नाउ लूज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 21, टू येलो कार्ड्स, ऑरेंज कार्ड्स ऑफ टेंस एंड वन कार्ड दैट इज लूज। 95, नाइन कार्ड्स ऑरेंज कार्ड्स एंड फाइव कार्ड्स लूज, लूज इन ट्राइंगल शेप। बट इन 201 व्हाट आई हैव टू डू, जो जैसे ही मेरे 10 येलो कार्ड्स होते हैं दैट इज 100, तो मैं 100 के लिए एक कार्ड बना देता हूँ और दूसरे 100 के लिए भी एक और कार्ड बना देता हूँ। एंड एट जीरो दिस इज जीरो, एट टेंस प्लेस आई हैव जीरो, सो देर इज नो नीड टू ड्रॉ एंड मेक अ येलो और ऑरेंज कार्ड। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यूनिट प्लेस पे जाऊंगा, सिंगल कार्ड पर, दैट इज वन ट्राइंगल शेप। सिमिलरली 260, 300, 306, इन सभी नंबर्स के लिए आप कुछ कार्ड बनाएंगे। लाइक इन 400 और 350 पे आई एम मेकिंग कार्ड, 350, तो आई हैव टू मेक थ्री कार्ड्स ऑफ टेंस, ओके, एंड फाइव कार्ड्स ऑफ, सॉरी, थ्री कार्ड्स ऑफ 100, ओके, दिस इज सर्कुलर शेप, एंड फाइव कार्ड्स ऑफ टेंस, एंड जीरो कार्ड ऑफ ट्राइंगल शेप, ओके, दैट इज वन्स। सो दिस इज 300, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 350, okay? Next, when I had 10 cards in my pocket, I knew I had counted 20 stars. जब मेरे पास 10 cards, दो कार्ड हो जाते हैं 10 के, तो I am having 20. Now you can tell me the numbers of stars counted in each case. अब यहाँ पर कितने stars हैं? Like this, 10, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it means 20 plus 6, that is 26, 1, 2, 3 of 100, that is 310, okay, 1, 2, 3, 4 of 100, that is 400, इस तरीके से आप इन सबको काउंट करेंगे, पहले आप लिखेंगे 100 place, then 10th place, and then unit place, okay, how many stars are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 10 of 100 stars. 10 of 100 means 10 multiplied by 100. That is 1000 stars. Nice. This is the new pattern. Guess how many starry friends I have in all. अब इसको count करके देखो, अब कितने starry friends हैं इनके पास. Okay. इस chapter की exercises आप book में भी करेंगे, as well as in your copy also.